हाय गाइस, मैं पूनम अपने चैनल पूनम्स किचन एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ चुकंदर से एक बहुत ही टेस्टी डिश, जो खाने में तो टेस्टी है ही और साथ में हेल्दी भी है। और जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए चलिए बनाते हैं चुकंदर से नई डिश। तो गाइस, हमने चुकंदर से ये डिश बनाने के लिए दो चुकंदर ली हैं और अब हम इन्हें छील कर कद्दूकस में कस कर लेंगे। तो इसको हम छील लेते हैं। तो गाइस देखिए, चुकंदर में कितना लालपन है। जैसे ये लाल होता है उसी तरह से हमारे शरीर में खून भी बढ़ाता है। तो हमें चुकंदर का यूज़ बहुत ज़्यादा करना चाहिए और इससे हेल्दी भी रहते हैं और बच्चों को खूब खिलाना चाहिए। तो देखिए गाइस, ये हमने चुकंदर को छील लिया है और कद्दूकस में जो ये छोटा वाला होता है हिस्सा, इसमें हम इसे कस लेंगे। इस तरह से कस के इसे तैयार कर लेंगे। तो गाइस, हमने चुकंदर को कस के तैयार कर लिया है और अब हम गैस पर पैन रख देंगे गर्म होने के लिए। तो गाइस, हमारा पैन गरम हो गया है और अब हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। और ये हमने थोड़े से ये बादाम और काजू लिए हैं, तो इसमें हम इन्हें डालकर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इससे इसमें टेस्ट भी बढ़ जाता है और भुने हुए ये अच्छे लगते हैं, ड्राई फ्रूट्स। ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा ही भूनेंगे। और अब हम इन्हें निकाल लेंगे प्लेट में। और ये थोड़ा सा घी और डालेंगे पैन में। और जो हमने ये चुकंदर कस के रखी है ये इसमें डाल लेंगे। और इस तरह से इन्हें हम इसे भी हम इस तरह फ्राई करेंगे। ये इस तरह फ्राई करते रहेंगे। देखिए गाइस, ये चुकंदर फ्राई हो रही है। अब इसमें हम एक गिलास दूध डाल देंगे। और इसे पकाएंगे अब इस तरह से। फ्लेम को हम फुल ही रखेंगे। तो ये चुकंदर हमारी पक रही है। तो गाइस देखिए, हमारा चुकंदर का हलवा पक रहा है और इसमें हमने दूध डाल ही दिया था। देखिए दूध का कलर कैसा हो गया है। तो देखिए गाइस, ये चुकंदर का हलवे में हमने दूध डाला था तो ये सूखने ही वाला है दूध इसमें, और चुकंदर हमारी गल गई है। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो ये हमने आधी कटोरी चीनी ली है, लगभग 4 बड़े चम्मच चीनी होगी। और ये हम इसमें हलवे में डाल देंगे और ये हमने थोड़ी सी मेवाएँ ली थी तो इन्हें भी इसके साथ ही डाल देंगे। और किशमिश भी डालेंगे ताकि ये इसके साथ ही पक जाएगी।
तो देखिए इस तरह से इसे चलाएंगे, देखिए चीनी का हमारे पानी बन जाएगा। और इसके साथ ही हमने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं ताकि वो भी इसके साथ पक जाएंगे। तो देखिए गाइस ये हमारा चुकंदर का हलवा बनके तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से इसे हम सुखा देंगे बिल्कुल। अभी हलवा हमारा तैयार है तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे और हलवे को सर्व करेंगे। देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है और ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है, तो इस हलवे को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देखिए गाइस ये हमारा चुकंदर का हलवा बनके तैयार हो गया है और ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखे थे तो इससे हम इसको गार्निश कर देंगे। तो गाइस हमारा चुकंदर का हलवा बनकर तैयार है, आप इसे बनाइए और आपको कैसा लगा ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अब हम मिलते हैं अगली कुकिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।